हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ एजुकेशन। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है आरएनए के बारे में। प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड ये टॉपिक है, तो आज हम जानेंगे आरएनए के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, और आरएनए को भी जेनेटिक मटेरियल क्यों कंसिडर किया गया, और इसे प्रूव करने के लिए कि आरएनए भी एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है, इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट को भी दिया गया साइंटिस्टों के द्वारा। तो ओवरऑल सभी चीज़ों के बारे में हम आरएनए का आज पढ़ने वाले हैं और उनके टाइप्स को भी हम देखने वाले हैं। तो आइए चल के देखते हैं आरएनए के बारे में। अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए भी एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। जैसे कि डीएनए को माना गया है जेनेटिक मटेरियल, वैसे आरएनए को भी माना गया है जेनेटिक मटेरियल। बट डीएनए के कंपेयर में आरएनए को थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि डीएनए में कुछ खास एलिमेंट के साथ साथ उनके डबल हेलिक्स स्ट्रैंड को सबसे ज़्यादा माना गया है। तो आइए हम सबसे पहले आरएनए के और भी चीज़ों के बारे में जानते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं तो ये काफ़ी इसेंशियल रोल प्ले करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने में, जैसे कि डीएनए करता है। और यहाँ पे जब ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इस दौरान ये प्रोटीन का भी सिंथेसिस करते हैं, और वो प्रोटीन जो होती है वो कई सारे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करके रखती है। आरएनए की बात करें तो आरएनए का कई सारा डाइवर्स फंक्शंस देखने को मिला है, जिनमें वो जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। आरएनए जो होता है इसमें कैटालिटिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, जिसे हम राइबो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, और इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स देखने को मिलती हैं। अगर इनके डिस्कवरी की बात करें कि बिफोर राइबोसोम की डिस्कवरी के पहले की बात करें, तो यहाँ पे कई सारे एंजाइम्स ऐसे होते थे जो कि कैटालिटिक प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते थे। बट 1989 में थॉमसन आर रिच एंड सिडनी एल्टमैन ने नोबेल प्राइज़ को शेयर किया केमिस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी किया कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए। यानी कि जिनके डिस्कवरी में ये देखा गया कि आरएनए की क्या कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, तब उस समय हमें राइबो एंजाइम जैसी चीज़ों को भी जाना। साथ ही साथ आरएनए जो होता है ये एक्ट करता है एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल की तरह, और इसमें कई सारे नॉन जेनेटिक इन नेचर्स भी देखने को मिलते हैं। उसमें आपको देखने को मिलेगा एमआरएनए और नॉन कोडिंग सीक्वेंस, टीआरएनए, आरआरएनए, एसएनआरएनए, एसएनओआरएनए, एमआईआरएनए, एक्सआई, एसटीआरएनए, एससीआरएनए, एसआईआरएनए, टीएमआरएनए, ये सारे जो भी हैं ये सब आपके नॉन जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को कोड करके रखते हैं। तो ये सारे पार्ट्स हैं आरएनए के। अगर इनके आरएनए की थर्मो स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इनका जो थर्मो स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर दूसरी बार वेस्टर्न एंड क्रिक के थ्रू दिया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि ये आपके कई सारे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के लेंथ को वेरीफाई करती है या वेरीयाइन करती हैं। आरएनए में भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर शॉर्ट फॉर्म में देखने को मिलते हैं, और इसमें भी ए फॉर्म, जिस तरीके से डीएनए के टाइप्स ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से आरएनए में भी देखने को मिलते हैं, ए फॉर्म मिलते हैं, बी फॉर्म भी देखने को मिलते हैं। अगर हम आरएनए डुप्लेक्स की बात करते हैं तो ये मोर स्टेबल होता है डीएनए डुप्लेक्स से एट ए फिजियोलॉजिकल पीएच, डीनेचुरेशन एंड डबल स्टैंडर्ड हेलिकल आरएनए के अकॉर्डिंग। इन सभी, ये जो आपके पीएच डीनेचुरेशन से, ये सभी को अगर कंपेयर किया जाए तो आरएनए डुप्लेक्स ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं आरएनए वॉल हाइपोथेसिस। जब आरएनए को वॉल में हाइपोथेसिस की तरह देखने को माना जा रहा था, तब की बात करते हैं तो ये माना जाता था कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है जो कि प्रेजेंट होता है आपके लाइफ में अप टू बिगनिंग टू डेथ तक। ये सारी चीज़ें एक तरीके की हाइपोथेसिस मानी गई। फर्स्ट टाइम लाइफ का फॉर्मेशन जब अर्थ पे हुआ तो सबसे पहले आरएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल माना जाता था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, जहाँ पे इस चीज़ को आरएनए वर्ल्ड वाज फर्स्ट यूज बाय वाल्टर ग्लिटर इन 1986, यानी कि वाल्टर गिलबर्ट के थ्रू अगर माने तो आरएनए को पहला जेनेटिक मटेरियल माना गया, और 1986 में उन्होंने इस बात को प्रूफ किया और एक हाइपोथेसिस दी। और इस हाइपोथेसिस में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी आए, जिसमें कि एक एक्सपेरिमेंट्स में आप क्या कह सकते हैं कि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो एक एक्सपेरिमेंट था जिसे दिया था एच फ्रेंकल कॉन्स्टेंट एंड बी सिंगर ने,
इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया गया था कि आरएनए भी एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है, और ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो टीएमवी वायरस में देखने, मतलब टीएमवी वायरस के अंदर देखने को मिला था कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरफ वर्क करता है, और ये वायरस पाया जाता है टोबैको के प्लांट्स पे। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को किया गया और जाना गया कि किस तरीके से जो टीएमवी वायरस है वो टोबैको प्लांट को हार्म कर रहा है, और उस हार्म करने के पीछे का क्या मेन वजह है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू कई सारी चीज़ों को प्रूव किया था, और वहीं पे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल को भी प्रूव किया गया था। आप लोग इसको 12 में काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे, 12th में पढ़ाए जाते हैं, आप देख सकते हैं कि इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा। वैसे तो आरएनए कई सारे डिफरेंट जगह देखने को मिलती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, सभी जगह पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आरएनए के प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं। तो पहले फंक्शन की बात करते हैं तो फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए इनटू प्रोटीन, यानी कि डीएनए से प्रोटीन बनाने का काम करता है। दूसरे फंक्शन की बात करते हैं तो ये एक तरीके से अडैप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, या अडैप्टर मॉलिक्यूल प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिसे हम राइबो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। एंजाइमेटिक चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। तीसरा फंक्शन बात करें तो मैसेज को कन्वे करने में भी हेल्प करता है डीएनए एंड द राइबोसोम। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो ये एक तरीके का कैरियर है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बियर करके रखता है, और आपके सभी ऑल लिविंग सेल्स में देखने को भी मिलता है। साथ ही साथ नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन आपका है कि अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में भी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और हम आपको लेके आएंगे नेक्स्ट इसके आगे के टॉपिक को, और उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।